नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ जिले के भाजपा नगर कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज आजमगढ़ नगर कार्यालय पर अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री बने और उनका जो सपना था उन्होंने साकार किया। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे और उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को आज इस स्तर तक पहुंचाया है जो कि आप सभी लोग देख रहे हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग हर जगहों पे है। जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी का कभी कमल खिलता ही नहीं था, आज वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के पक्ष में है। और इसी आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये भेजा जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में आज सभी ब्लॉकों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रखा गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी किसानों को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ अब सभी लोग वहाँ जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी लोग अपना सहयोग करेंगे। आज के दिन हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि पार्टी द्वारा जो भी कार्यक्रम, जो भी निर्देश, दिशा निर्देश हम लोगों को मिलेंगे, हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी एक साथ मिलजुल कर उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।